आज सुबह सुबह से ही घर की कंडीशन ख़राब हो गई है और मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया और फर्स्ट रिकॉर्डिंग मेरी यही रही। दित्या ने क्या किया कि सारी जो बास्केट है ना, वो तीन वाली, तो वो नीचे गिरा दी। उसमें बर्नी, कांच के जार्स, काफ़ी कुछ रखा हुआ था, तो सारा कुछ फैल गया। उसी टाइम मेरी मेड आ गई, तो उन्होंने फिर सारा साफ़ किया। और क्लीनिंग होने के बाद आए हैं कुछ पार्सल्स, मैंने ऑर्डर किया था, जो कि आ गए हैं। तो आएंगे, थोड़े वीडियो देखिएगा, मैं रिव्यू भी इसका दे दूंगी, कैसा क्या आया है, क्या क्या मंगाया है। ये है एक पार्सल मतलब मैंने फ्रस्टीज वाला जो है कुकर मंगाया हुआ था, तो इसकी पैकिंग मैंने खोल ली है और मुझे अच्छा लगा ना, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो ये स्टेनलेस स्टील का है एकदम से, ये है कैप जो ऊपर ही रखा था, तो पहले मैंने कैप निकाल दिया। और उसके बाद ये है इसकी का मतलब कुकर, तो ये 3 लीटर का कुकर लिया था मैंने। और ये है फ्रस्टीज का डीलक्स अल्फा, जो आर एन आज कल डीलक्स अल्फा करके नाम है इसका, फ्रस्टीज का है और 3 लीटर का है, स्टेनलेस स्टील का है, स्वच्छ प्रेशर कुकर आ रहा है ना जो, वो ये। तो ये इसकी पैकिंग थी। और इसमें जो ये सीटी लगी हुई है, ये मतलब अलग से पैकिंग में थी, तो खोल के मैंने इसको लगा लिया है। और ये थोड़ा सा जो फ्राई पैन होते ना, उसका भी काम करेगा, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है ये, बट ये बहुत अच्छा है। तो ये कुछ इस तरह से है और इसमें नॉर्मली सब्जी वगैरह भी आराम से बना सकते हैं, कढ़ाई का भी काम करेगी। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो मेरा पुराना वाला कुकर है ना जो एलुमिनियम का है, तो मुझे वैसे भी हटाना था, और उसके अलावा उसकी सीटी भी ख़राब हो गई थी, जो था ना पानी निकलने लगा था बाहर। तो फिर मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मंगाने की, बट उससे काम चल रहा था, तो यही दिन पर दिन निकलते जा रहे थे कि चलो अभी तो काम चल रहा है, बट अभी मैंने मंगा लिया है। और ये आउटर लेयर वाला, पहले इनर लेयर वाला था मेरे पास, अभी आउटर लेयर वाला, इसलिए मैंने लिया। मेरा इसको थोड़ा सा प्रेस करके और बंद करते हैं, तो आराम से बंद हो जाता है। इसको थोड़ी सी सीजनिंग करेंगी, थोड़ी सी इसकी करूँगी सीजनिंग मतलब धुल दूंगी अच्छे से इसको पानी से और डिटर्जेंट उससे, डिश वॉशर से, उसके बाद ही यूज़ करूँगी। और आज मैं इसका स्वागत भी करूँगी, देखती हूँ कैसी कैसा काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये अच्छा काम नहीं किया तो मैं रिटर्न कर दूँगी इसको। क्योंकि अभी पता है जब मैंने बलोच की कढ़ाई ली थी, तो मेरी तो बहुत अच्छी निकली, और मैंने नीचे वाली आंटी के लिए मंगवाया था, उन्हें भी पसंद आई थी, तो मैंने मंगवाया उनके लिए। मैंने मतलब मेरी थी 24 इंचेस की और उनकी थी, मैंने मंगाई थी 30 इंचेस की, तो ना वो एक ही दिन में जलने लग गई थी, मतलब उसकी पूरी कढ़ाई पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ गए थे। और बट मेरी तो बहुत अच्छी निकली है, उस पर कोई भी स्पॉट नहीं पड़ा है। ये देखो, ये जैसे कि तैसी है, मतलब चमचमा रही है, अच्छी है। तो पहले इसको भी मुझे यूज़ करना है, उसके बाद ही देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। उनकी तो बेकार निकली थी, तो मैंने रिटर्न करवा दी थी। उसके बाद मैंने फिर उनके लिए 26 इंचेस की मंगाई, तो उनकी वैसे वो भी मतलब बेकार का काम कर दी थी, मतलब जल गई थी, एक ही दिन यूज़ की और वो जल गई। जल्दी का मतलब क्या है कि उस पर ब्लैक ब्लैक सारा वो हो जाते ना, निशान पड़ जाते, फिर वो निकलते नहीं है। तो जब इतनी कॉस्टली मंगाओ कोई चीज़, उनकी आई थी 2800 रुपए की 30 इंचेस की, तो लगता है ना कि अच्छी निकले इसलिए। और ये कुकर मुझे पड़ा है 2000 रुपए का है, 2100 या 2000 का है, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था। तो अभी देखते हैं कैसा निकलता है, अच्छा निकलेगा तो बढ़िया है, और नहीं निकला तो मैं इसको भी रिटर्न करूंगी, वो भी मैंने उनकी दोनों कढ़ाई रिटर्न कर दी थी। इसकी सीजनिंग करने के बाद उसके बाद मैंने ली है एक रिंग लाइट, मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, मतलब रोशनी कम थी ना रूम में, इसलिए। तो
ये है इसका ट्राईपॉड, ट्राईपॉड बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने डिजिटेक का मंगाया था, डिजिटेक का अच्छा आता है, मतलब बहुत हाई क्वालिटी में भी आते हैं, 4,000-5,000 के, बट मैंने नॉर्मल रेट का मंगाया, 1600 रुपये का मुझे आया है। ये हाइट 5-5.5 feet होगी, तो नॉर्मली काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मुझसे बड़ा हो जाएगा। और इसके साथ आई है एक रिंग लाइट, इसको मुझे अच्छी लगी ना, मैं इसका डिटेल रिव्यू दूंगी आपको जरूर किसी वीडियो में। ये है इसकी रिंग लाइट, और मोबाइल होल्डर भी इसके साथ आया है, और ये केबल है जिससे लाइट जलती है, तो इसको अभी मैं ज्वाइंट करूंगी, उसके बाद ही दिखाऊंगी आपको। तो ये काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी हो गई थी, मेरे से भी काफ़ी ऊंची है, अच्छे से रोशनी भी दे रही है ये। इसका मैं डिटेल रिव्यू दूंगी, उसमें मैं सारा कुछ बता दूंगी आपको। और बस अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा खाने की प्रिपरेशन और कुकर का स्वागत। तो इसको मैंने धुल दिया है अच्छे से डिश वॉशर से, और इसमें मैं पहले तो बनाऊँगी दाल, उसके बाद कोई सब्ज़ी, उसके बाद राइस, यही सारा कुछ बनाऊंगी। तो जल्दी से फटाक से मैं बनाऊंगी खाना। और आज जैसे ही मेरा कुकर फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है, ऐसे ही मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ जो खड़ी मसूर की दाल होती है ना, साबुत मसूर ब्लैक वाली, वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और मेरा काफ़ी दिनों से मन था बनाने का, तो आज वही ट्राई करूँगी मैं। कैसी बनती हूँ, बनती है बाद में बताऊँगी। और नॉर्मली उसको थोड़ा सा भिंगो कर रखना पड़ता है, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट कुकर में सीटी लगाने को रख दिया, वो बहुत जल्दी पक जाती है ना, तो बस 2 से 3 सीटियाँ ही लगाऊंगी जब तक मैं वो दाल पक रही है। मैं अपना जो फ्राई करने के लिए सब्जियाँ काट देती हूँ, सब्जियाँ मतलब प्याज टमाटर यही सब। और ये देखो इसमें बिल्कुल भी सीटी नहीं आ, मतलब तेज़ सीटी नहीं आती है, ना ही पानी निकलता है। और कुकर में ही मैं दाल को फ्राई करूंगी, मैंने अलग बर्तन में दाल को निकाल दिया है। अब देखती हूँ ये जलता है या नहीं जलता है, मुझे यही चेक करना है, इस पर डाबू निशान तो नहीं पड़ रहे हैं और साइड से जल तो नहीं रहा है, बस यही चेक करने के लिए मैं इसी में सब कुछ बनाने वाली हूँ आज। अगर क्योंकि ख़राब निकलता है तो मैं इसको रिटर्न करूँगी, 10 डे रिटर्न भी होता है क्योंकि वो पैसे भी वापस आ जाते हैं। तो इसमें तो शायद आपको पता नहीं लगेगा, बट और आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें शायद से पता लग जाए कि कुकर कैसा निकला, तो मैं आने वाली वीडियोस में ज़रूर बता दूंगी। और जल्दी से दाल में लगाऊंगी तड़का। When we had each other, caught up in the memory of when we talk all night, drinking cheap white wine. दाल बनकर है एकदम रेडी, और मेरा खाना, मतलब मैंने खाना भी सारा बना लिया है। ये रहा मेरा खाना, दाल, लौकी की सब्जी, रायता, चावल, रोटियां और थोड़ी सी सैलेड। तो आज का खाना काफ़ी सारा हो गया है, तो रोटियां तो मैंने कम ही 2 ही ली हैं, और बस अभी जाऊंगी लंच करने के लिए। ठीक गाइस, गुड इवनिंग। और डायरेक्ट लंच वंच करने के बाद मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा था, और शाम हो गई है,
और मैं आई हूँ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, कहाँ पर, वुडलैंड के शोरूम पर। मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, बट मेरे पति देव को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। सामान लेना था, मतलब बेल्ट, पर्स, ये वॉलेट वगैरह, ये सारा सामान लेना था। तो मैं वुडलैंड के शोरूम पर आई हूँ। इसके बाद जाऊँगी कुछ खाने पीने के लिए, शाम का हल्का फुल्का स्नैक्स। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मास्टर गिल पे, यहाँ फरीदकोट में। बहुत अच्छा है, सुंदर सा, क्योंकि मैं इस साइड पहले रहती नहीं थी। अभी जब इस साइड आई हूँ तो यहाँ की जो चीज़ें हैं वहाँ जाने लग गई। यहाँ पर फ़ोटो शूट करने के लिए भी है काफ़ी कुछ, मतलब बना हुआ है अलग से, और सुंदर भी है काफ़ी। और दित्या तो मेरी इतना सतान करती है, मतलब अंदर ही चली गई जहाँ पर वो लोग काउंटर पर बैठते हैं। कि हम लोग खाएंगे जो किया आएगा, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, उसके बाद पहुंचेंगे घर पर। अभी आई हूँ मैं लौट के, और शाम हो गई है, तो बनाऊंगी शाम का थोड़ा बहुत, अगर कुछ खाना हुआ। वैसे तो पेट भर गया है, तो बनाने, मतलब अब मैं अपने वीडियो का भी ऐड करूँगी, क्योंकि आई थिंक कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। सो मौसम भी आज थोड़ी सी हवा चल रही है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो चलो, अगर पसंद आया है तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।